वेलकम बैक टू योर स्टडी चैनल स्टडी पाथ। स्टडी पाथ में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, इससे पहले मैं आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गोदावरी बेसिन, ये सारे सब कुछ बता चुका था। जिससे पिछले वाले लेक्चर में यदि आपने नहीं देखा है तो वो पुराने लेक्चर्स को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, तभी आपको आगे समझ में आएगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर कुछ और भी कैटेगरी, जैसे कृष्णा बेसिन हो गया, तो कृष्णा बेसिन जो है वो स्प्रिंग से निकलती है जो कि महाबलेश्वर के अंदर है, और कृष्णा रिवर की जो लेंथ है वो एक्चुअली 1400 किलोमीटर है, और बाद में जाकर ये ईस्टर्न साइड यानी कि वे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ना। और तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी, भीमा, ये इसकी क्या ट्रिब्यूटरी है, मानी यानी कि इन नदियों के अंदर से, इन रिवर्स के अंदर से, इस स्ट्रीम के अंदर, मतलब कृष्णा बेसिन के अंदर पानी आता है। ए ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो मतलब इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, मतलब इसका जो एरिया है, कवरेज है इस कृष्णा रिवर का, वो कौन कौन शेयर करता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। अब देखिए, यहाँ काबरी बेसिन की बात करेंगे तो काबरी बेसिन जो है ब्रह्मगिरी रेंज से निकलता है, ठीक है, जो कि वेस्टर्न घाट एंड इट रीचेज टू द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ कल्लोर इन तमिलनाडु। अब देखिए, यहाँ काबरी बेसिन जो है ब्रह्मगिरी रेंज से निकलता है जो कि वेस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होता है, काबरी रिवर जो है, और ये साउथ जो कडलोर है तमिलनाडु के वहाँ तक जाता है, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। इसकी लेंथ 760 किलोमीटर है, और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है, मतलब जिनसे इनमें पानी आता है कावेरी बेसिन के अंदर, वो अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, कावेनी है। ए ड्रेनेज बेसिन आर द पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। देखिए, शेयर कौन कौन कर सकता है इसके पानी को? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो यहाँ से कावेरी बेसिन जो है वो अपना एरिया लेकर चलता है। अब देखिए, कावेरी को सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल भी कहा जाता है इंडिया के अंदर, और इसका असली नाम जो है वो शिवा समुद्रम फॉल भी है। यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है, मतलब बिजली भी जनरेट होती है, और इसे कहाँ कहाँ भेजा जाता है, किस किस मिडिल सिटीज़ में भेजा जाता है? मैसूरू में, बेंगलुरु में, और कोलार गोल्ड फील्ड्स के अंदर। KGF तो आपने देखी होगी चलिए ठीक है, नहीं देखी तो आप KGF मूवी देखिएगा, इट इज़ अ वेरी मच सोर्स ऑफ इंस्पिरेशनल मूवी फॉर यू, है ना। अब नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, आप लोगों को बताना है कि कौन सा सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल है, या आपको बताना है, आपको सर्च आउट करना है। अब देखिए, यहाँ पर तीन मेजर रिवर्स हैं, है ना, जो ईस्टर्न साइड फ्लो करती हैं, वो कौन सी हैं? ब्रह्मगिनी, बैतरणी, सुवर्णिका, दामोदर। तो मतलब ये कुछ ऐसी ईस्टर्न फ्लो है जो, मतलब कह सकते हैं कि ये नदी छोटी है इसलिए NCERT ने इनको कवर नहीं किया है, लेकिन ये भी ईस्टर्न साइड जाकर, मतलब ईस्टर्न घाट से होते हुए वे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लेक्स के बारे में हम बात करेंगे कि आप सभी लोग फैमिलियर हैं कि अर्थ सरफेस के ऊपर 71% वर्ल्ड सरफेस जो है वो पानी से कवर है, बाकी का 97% जो है वो पानी है, तो लेकिन वो सॉल्ट की फॉर्म में, मतलब उसमें सॉल्ट ज़्यादा है उस पानी के अंदर, और 3% जो है, मतलब जो अर्थ के ऊपर 3% पानी है वो फ्रेश वाटर लेक भी कहलाता है। अब देखिए, लेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, लेक्स पहले तो आप समझ लीजिए, लेक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर टूरिस्ट जो प्लेसेस होते हैं वो टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। अब देखिए, जैसे डाल लेक हो गई जम्मू कश्मीर के अंदर, है ना, शिकाराज हो गए, तो यहाँ पर क्या है, हज़ारों की संख्याओं में लोग हर साल जाते हैं इधर टूरिस्ट करने के लिए, तो वहाँ के लोगों के लिए एक इनकम जनरेशन वाली एक्टिविटीज़ भी बन जाती है। फिर यहाँ पर बोटिंग भी कराते हैं लोग, स्विमिंग भी, वाटर गेम्स भी, इसलिए। अब देखिए, यहाँ पर लेक्स जो है श्रीनगर में से नैनीताल में हो गई, तो ये क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट भी बन जाते हैं, हर साल यहाँ पर लोग जाते हैं, घूम के आते हैं। अब इंडिया के अंदर कई सारी लेक्स हैं, सबकी साइज़ ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अलग अलग है। कुछ लेक तो इसके अंदर परमानेंट होती है, यानी कि उनके अंदर से कभी पानी सूखता नहीं, लेकिन कुछ जो लेक्स होती हैं वो रेनी सीज़न, मतलब बरसात के समय में ही उन्हीं के अंदर पानी आता है, अदरवाइज उनके अंदर पानी नहीं आता है, ठीक है। कुछ लेक्स जो होती हैं वो सेमी एरिड होती हैं, मतलब दलदली टाइप में भी होती हैं कुछ लेक्स, क्योंकि पानी के ऊपर डिपेंड करती हैं। कुछ लेक ऐसी होती हैं जो ग्लेशियर्स और आइस के पिघलने पर बनती हैं, या कुछ लेक ऐसी भी होती हैं जो विंड रिवर एक्शन या अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी बनी जाती हैं। तो ये कई सारे एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, मेंडरिंग रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फ्रॉम कट ऑफ डेटा डेवलप्ड इन ऑक्सबो लेक। अब देखिए, यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, जब सबसे पहले NCERT स्टार्ट करा रहा था, तो ऊपर यदि हम थोड़ा सा मैप को अगर देखें तो ये गौर से देखिए, ये मेंडरिंग वाला स्ट्रक्चर जो बना रहा है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये मेंडरिंग बना रहा है। पहले ऐसे पानी बह रहा था, लेकिन कट कटने के बाद वो इस तरीके से यू शेप दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर ये ऑक्सबो लेक इसकी कैटेगरी में आ गया। तो ये आपको पहले ही मैंने बताया था, इसलिए मैंने आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले पुरानी वाली वीडियोस को देखें फिर आगे मूव करें, क्योंकि इससे पहले आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो लेक इसी तरीके से बनते हैं कि पहले पानी तो सांप की तरह फ्लो हो रहा था, फिर बाद में वो यू शेप में कन्वर्ट हो गया, लेक्स अलग हो गए मतलब तरीके से।
अब लेक्स जो हैं वो इनलैंड ड्रेनेज के अंदर हैं, कुछ तो सीजनल होते हैं, मतलब उनके अंदर पानी होता है और बरसाती समय में उनके अंदर पानी आता है। जैसे सांबर लेक जो है राजस्थान के अंदर, गर्मियों में तो सूख जाता है लेकिन बरसात के समय में उसके अंदर पानी फिर से आ जाता है। इसको सॉल्ट वाटर लेक भी कहते हैं इसलिए क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ज़्यादा है इस पानी की, इस लेक के अंदर। ये सबसे ज़्यादा खड़ा पानी है और यहाँ से सॉल्ट भी जनरेट करते हैं। अब कुछ फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि हिमालयन रीजन्स में हम पाए जाते हैं, जैसे ग्लेशियस ओरिजिन। ये होता है क्या एक्चुअली, जब ऊपर से पहाड़ों पे से जब पिघलती है बर्फ़, तो वो क्या है अल्टीमेटली क्या है कि वहाँ पर वो पानी बन जाती है। जैसे डल लेक के बारे में बात करेंगे, वुलर लेक जो है जम्मू कश्मीर में, सॉरी। तो ये क्या है कि पहले यहाँ बर्फ़ हुआ करती थी, वो बर्फ़ पिघल गई, पानी बन गई। अब रीज़न क्या है, कई सारे, या तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, मतलब अर्थ के अंदर आपको पता है इंटेंस हीट और प्रेशर होता है, आइस पिघलती रहती है, उस पिघलने की वजह से वहाँ पर लेक की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में बात करेंगे, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 3% ही इंडिया के अंदर, मतलब वर्ल्ड के अंदर जो है वो फ्रेश वाटर है, अदरवाइज़ बाकी का जितनी भी फ्रेश वाटर है जितना भी, वो सब आइस के फॉर्म में ट्रैप्ड है। तो दाल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल लेक, बारापानी, ये सब फ्रेश वाटर लेक है क्योंकि इनके अंदर पानी बहुत अच्छा है। आप जाइए उत्तराखंड की तरफ कभी, नैनीताल घूम कर आइए। यहाँ से पहले आपको बरेली जाना होगा, बरेली से सीधा फिर नैनीताल उत्तराखंड के लिए निकलना होगा। ट्रिप अच्छी है, जगह अच्छी है, आप जाओगे तो अच्छा लगेगा, आपको देखने में भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है। मैं होके आ चुका हूँ इसलिए आप सभी को बता रहा था। अब देखिए, लेक्स तो सबसे मददगार इसलिए भी होती है क्योंकि जब बरसात का पानी ज़्यादा आ जाता है तो वो रेगुलेट भी करती है, पानी को ज़्यादा आगे फ्लो नहीं करने देती है। उत्तराखंड में देखिएगा, पता पड़ेगा आपको। लेक्स को आइडल पावर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बिजली का उत्पादन करने के लिए। और लेक से क्या है, इन्वायरमेंट की ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी जो है वो भी एनहेंस होती है और साथ ही साथ में टूरिज़्म सेक्टर भी बढ़ता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं रोल ऑफ़ रिवर्स इन द इकोनॉमी, के रिवर्स का रोल क्या है इकोनॉमी के अंदर। देखिए, रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हिस्ट्री के लिए। बचपन से आप पानी से लेके, मतलब किसी वॉशिंग डिस्क को लेकर, कभी बर्तन वगैरह किसी चीज़ को लेके, एंशिएंट टाइम से पानी का बहुत बड़ा महत्व है। पानी नहीं होगा तो आपको पता होगा, घर में एक बूंद पानी ना हो तो पता पड़ जाती है कि कैसा लगता है। सबसे अच्छा तो जब लगता है जब आप नहाने जाओ और पानी ही नहीं हो, फिर वहाँ दो दो तीन तीन चार चार किलोमीटर से ले गया। तो पानी का इस्तेमाल भी हमें सही तरीके से सही उपयोग में लाना ज़रूरी है। देखिए, हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। आज मैं टीचर हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं पानी का किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। अल्टीमेटली मैं आरओ का भी इस्तेमाल इस तरीके से करता हूँ कि जो आरओ का वेस्ट वाटर होता है मैं अपने कूलर में डाल लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि पानी कम से कम वेस्ट हो, तो जितना हम पानी को प्रोटेक्ट करेंगे अल्टीमेटली पानी उतना ही हमारी मदद करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सब सर बोले सर मैं तो करता हूँ, सामने वाला पड़ोसी नहीं करता, पर बेटा आप तो कर रहे हो ना, आप तो एटलीस्ट बचा पा रहे हो, और जब आप बचाओगे तो सामने वाले को ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी बचाने की कोशिश करेगा। तो कहते ना, बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है, तो वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आगे देखते हैं, यूजिंग रिवर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो ये रिवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पानी से हम इरिगेशन भी कर लेते हैं, नेविगेशन भी कर लेते हैं, हाइड्रो पावर जनरेशन भी कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं। अब देखिए, रिवर पॉल्यूशन की बात आ रही है कि रिवर पॉल्यूशन होता क्या भाई। सीधी सी बात है, पानी के अंदर गंदगी डालोगे तो रिवर पॉल्यूशन कहलाएगा। आप देखते हो आपके आसपास ही, मतलब यमुना जी वगैरह, रिवर गंगा वगैरह, इनमें क्या है आजकल ये गंदी इसलिए हो रही है क्योंकि लोग क्या करते हैं, धार्मिक तौर पर जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ से लोग उनके अंदर कचरा वगैरह डाल देते हैं। अब इन अंदाज़ा लगा सकते हो कि कचरा डालने से क्या मिल रहा है, किसी की आत्मतरफ थोड़ी ना हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय तो कर रहे हैं, कोई कपड़े धो रहा है उसमें साबुन के पानी लगा के, तो इससे क्या हो रहा है, पानी गंदा ही धो रहा है, हम उसी को पी रहे हैं, आगे चल के वो ज़मीन में ही जाएगा। तो अब एक आज अगर हम इस प्रक्रिया को बचा लें तो आने वाले फ्यूचर में हम पानी को सेव कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है हमारे नेचर पर, हम जब तक अपना नेचर नहीं सुधारेंगे हम सामने वाले कैसे सुधार लेंगे। तो आज आप सभी लोग एक शपथ लो कि पानी कम से कम वेस्ट करो, क्योंकि बेटा आप पानी का महत्व बहुत है हर जगह। पानी राजस्थान के बाड़मेर वाले इलाके में भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तमिलनाडु केरला जैसी जो कोस्टल एरियाज के आसपास है वहाँ पर भी पानी की कमी है, बेंगलुरु में आप समझ लो कि पानी पैसों से आता है, वहाँ टंकियाँ जो हैं उसका भी बिजली का बिल देना, वाटर टैक्स होता है ना, वाटर बिल टैक्स, ये दिल्ली जैसी सिटीज़ में और हम कह सकते हैं जो बड़े बड़ी बेंगलुरु सिटी, वहाँ पानी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। आप तो समर से फ्री में निकाल के हेडपम्प से नहा लेते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है क्योंकि ये सारी अल्टीमेटली हमें डिस्ट्रैक्ट ही करेंगी। अब देखिए, यहाँ गंगा के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल दे रखा है कि गंगा का जो पानी है वो दूषित इसलिए है क्योंकि इसमें 20 किलोमीटर्स की एरिया में जितनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से या फिर डोमेस्टिक वेस्ट को डाल देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर और वो डर्टी हो जाता है। तो देखिए, ये फिश, ओशन, मैरन लाइफ पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है पॉल्यूशन। ऐसा नहीं, आप मछली देखेंगी कभी कभी तो
मछलियाँ मरी मरी पानी में ऊपर तैर रही होती है, कोई मारता थोड़ी नहीं है, वो क्या टॉक्सिक्स लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है पानी के अंदर से। इस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। बायोलॉजी में आप इन्वायरमेंट का टर्म आप पढ़ोगे ना, इन्वायरमेंट ले लो, यूट्रोफिकेशन पढ़ के देखना, जब ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, रीज़न क्या है, नहीं पॉल्यूशन की वजह से। तो हमें ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर एक रिवर गंगा एक्शन प्लान के बारे में भी आप लोगों को बताया है कि गंगा एक्शन प्लान जो है वो 1985 में लॉन्च किया गया था। वो यही है कि इसके अंदर वो चाह रहे थे कि किस ना किसी तरीके से हम लोग जो है वो गंगा को प्रोटेक्ट कर कर चलें। तो ये नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है वो 1995 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम यही था सिर्फ और सिर्फ कि वाटर क्वालिटी जो है रिवर्स की वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करके चलनी है, कैसे हमें जो आसपास के रिवर्स है जब तक उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आगे वाला अल्टीमेटली वो आगे चल के किसी नदी में मिलेंगी तो वो नदी का पानी दूषित होगा। जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उन वहाँ से जो भी डोमेस्टिक और जो भी सीवेज डिस्चार्ज किया जा रहा है उसको हमें पहले कंजर्व करना, उसको मतलब हमें ट्रीट करना पड़ेगा उस वेस्ट को, फिर पानी में डालना पड़ेगा। तो ये सारे स्कीम्स हैं आप लोगों में, हाई होप की समझ में आया होगा। और आशा करता हूँ भाई आप सब 10th में आने वाले हो, फिर नेक्स्ट ईयर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे, बूंद देख लो, क्योंकि सारा डिपेंड करता है। एक साल चलो बच्चे पास हो गए लेकिन नेक्स्ट ईयर कैसे पास होंगे, पेपर और बोर्ड के एग्ज़ाम तो होने ज़रूरी है। जितना आप डिवोट करोगे अपनी स्टडी को उतना ही अच्छा है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि मतलब जब तक पेड़ लगाओगे नहीं तब तक फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हो। तो फल जब ही उग कर आएगा जब आप मतलब पेड़ लगाओगे, जब आप पढ़ोगे, और जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा है। समझ में आ गया होगा आप सभी के, है ना। मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स आप लोग इसके कीजिए, बाकी का देखिए आई कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स डालूँ। लेकिन बेटा क्वेश्चन आंसर्स अब कोई महत्व नहीं रखते क्योंकि 10th में आने के बाद पेपर कहीं से भी बन सकता है। तो आप जनरली चैप्टर को रीड कीजिए, इन बिटवीन द चैप्टर मैं क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम करूँगा। बाकी का अगर किसी कोई समस्या है या डाउट है तो आकर मुझसे मैसेज करें, मैं उसको बता दूँगा। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मेरे ग्रुप पर पड़ा हुआ है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।